अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सार्क इन्फो। वी ब्रिंग इंटरेस्टिंग फैक्चुअल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस टू यू, सो प्लीज सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करने वाले हैं हेकेले सुलेमानी के बारे में। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको कुछ बातें जानना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेकेले सुलेमानी या सोलोमन टेम्पल क्या है और किसने बनाया? हेकेले सुलेमानी वो जगह है जहाँ बनी इसराइल इबादत किया करती थी, जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो कि जेरूशलम में है, जिसमें ताबूत सकीना रखा गया और उसके वसीले से दुआ की जाती थी। अब आप सोचेंगे ताबूत सकीना क्या है? ताबूत सकीना एक बाबरकत ताबूत था जिसको साथ रखकर बनी इसराइल अपने मकसदों में कामयाब होती थी। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक था जो कि आदम अलैहिस्सलाम से होते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, लेकिन बनी इसराइल के ख़राब आमाल के चलते वो उनसे छीन लिया गया। उसके बाद बनी इसराइल को कई शिकस्तें मिली जिसका जिक्र कुरान करीम और हिब्रू बाइबल में मौजूद है। हिब्रू बाइबल बहुत बड़े किताबों का कंपाइलेशन है जिसमें तौरात भी मौजूद है। अब आते हैं हेकेले सुलेमानी पर। बनी इसराइल पर अजाब के चलते इसको पहली बार 587 BCE में ढा दिया गया था, जिसको ढाने में बेबीलोनियंस, जो कि एक बड़ी सिविलाइजेशन थी जो कि प्रेजेंट ईरान या पर्शिया है, उसके एक रूलर निचाद नज़ेर का हाथ था। लेकिन 71 ईयर्स के बाद 516 BCE में हेकेले सुलेमानी को फिर से तामीर किया गया, जो कि 585 ईयर्स तक टिकी रही, और 70 CE में रोमन्स ने यहूदियों से बदला लेने के लिए हेकेले सुलेमानी को ऐसा ढाया कि वो आज तक बन ना सकी। यहूदी उलमा ये क्लेम करते हैं कि जहां प्रेजेंट बैतुल मक़दस है वहां पर हेकेले सुलेमानी हुआ करता था, और वह हेकेले सुलेमानी फिर से बनाना चाहते हैं और उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हिब्रू बाइबल में यह तक कहा गया है कि थर्ड टेंपल, जो कि हेकेले सुलेमानी तीसरी बार तामीर होगी, तब मसीह यानी कि दज्जाल आएगा, जो कि क़यामत की निशानियों में से एक है। कुछ यहूदी स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि मसीह यानी कि दज्जाल आकर हेकल बनाएगा, जिसका जिक्र इसीलिए इसराइल बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा कर बैठा है और मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। आज जो भी फ़लस्तीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट लैंड्स, बिलीव्स और बैतुल मक़दस का है।